हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृति। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज हम ये जो कट वाली कुर्ती रहती है वो डे फोर में हमने ये मार्किंग करना सीखा था ना, अभी इसको सीलना कैसे है, काटना कैसे है, वो सब हम आगे आगे वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझना। यहाँ से इसको काट लेना है, जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ना उसको काट लेना है। ये जो मैं सिखा रही हूँ ना, वो अस्तर के बिना जो कुर्ती रहती है ना, उसकी कटिंग मैं सिखा रही हूँ। अस्तर वाला जो भी होगा ना, वो अभी तक मैंने नहीं सिखाया, वो हम आगे आगे क्लास में देखेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसको ऐसे काट लेना है। अभी एक कट यहाँ पे दे देनी है, जो हमने कमर की मार्किंग की थी ना वहां पे एक कट्स लगा लेनी है, और हिप कट पे एक कट्स लगा लेनी है। यहाँ पे ये कट्स लगा के हो गया। अभी आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है, तो ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है ये, और ये जो अंदर का दो पीस है ना, उसको ऐसे अंदर कर लेना है। अंदर करने के बाद इसको ऐसे सीधा कर लेना है, फिर इसको काट लेना है। ये काट के हो गया, इसको वापस से इसे सीधा कर लेना है, और यहाँ से इसको सेम ही रखना है, और ऊपर से थोड़ा सा ऊपर रख के काट लेना है। ऐसे आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम पीछे का गला है वो काट लेते हैं, क्योंकि पीछे का गला कम है ना इसके लिए। फिर पीछे के पार्ट्स को अलग कर लेना है, और अब आगे का गला काटना है। ऐसे इतना तक तो आपको समझ आ गया ना। अभी यहाँ पे पट्टी लगानी है, वो पट्टी तो मैंने सिखाई थी, पर इसमें वापस से दिखा देती हूँ कैसे पट्टी लगानी है। ये जो आगे का पार्ट्स है उसको ये दूसरा पेपर ले लेना है, इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड साइड, ये फोल्ड साइड और ये फोल्ड साइड दोनों सेम रहनी चाहिए, उसके ऊपर ऐसे रख लेना है इसको, और जितना गला हमारा है वैसे इसको काट लेना है। ऐसे ऐसे काट के हो गया। फिर यहाँ से 1.5 इंच ज्यादा पट्टी को काटना है। मैं अभी अंदाजे से काट रही हूँ, आप नाप के काटना। ऐसे ये हो गया। अभी ये हमारी रहेगी सीधी साइड, ये साइड हमारी सीधी साइड रहेगी। ये जो सीधी साइड है ना, उधर पे ये पट्टी को ऐसे रख लेना है। ये पट्टी को ऐसे रखने के बाद आधा इंच छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे दो सिलाई लगानी है, दो सिलाई लगा लेना है, फिर इसमें छोटी छोटी ऐसे कट्स लगा लेनी है, फिर इसको ऐसे अंदर से फोल्ड कर लेना है। आपको इसका डिटेल में वीडियो देखना हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके देख लेना। अब आप ये अपने हिसाब से ऐसे पट्टी लगा लेना, इस पे भी और इस पे भी। मैं अभी पट्टी लगाना नहीं बताऊंगी, ऐसे बता दिया ना वो आप कर लेना। अभी हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। ये जो हमारी सीधी साइड है उसके ऊपर इसको उल्टा रख लेना है, तो ये हमारी रॉन्ग साइड हो गई, ये रॉन्ग साइड। आप यहाँ पे गले पे भी पट्टी लगाना है, अभी मैंने नहीं लगाई है, आप लगा लेना, आगे पीछे में दोनों में लगा लेना। ये पट्टी लगाने के बाद शोल्डर पे यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। अब देखो यहाँ पे ऐसे शोल्डर पे सिलाई लगा के हो गया, इसे खोलोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। शोल्डर पे सिलाई लगा ली, अभी हमें यहाँ पे भी पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे भी कैसे पट्टी लगानी है ना, वो भी मैंने सिखाया है, तो वो भी आप वहां जाके सीख लो। इसमें बार बार एक ही चीज सिखाऊंगी ना, तो आप भी बोर हो जाओगे। इससे अच्छा है आप वो पहले की वीडियो में जाओ और ये पट्टी कैसे लगानी है वो सीख लो। अभी इसको फिटिंग कैसे करना है ना, वो सब हम सीखते हैं। इसको ऐसे उल्टा ही रहने देते हैं पहले। देखो इसको ऐसे उल्टा रखना है,
फिर क्या, देखो चेस्ट हमारी कितनी थी 30, तो उसका आधा कर लेना है, तो कितना आएगा 15 आएगा ना, 30 यहाँ पे है उसका आधा, देखो 15 आ गया, तो चेस्ट हमारी यहाँ से ऐसे करके देख लेना कहाँ पे आएगा, 15 यहाँ पे आया, 15 यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, यहाँ पे मार्किंग कर, ये मार्किंग करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम जितना गैप छोड़ते हैं ना उतना यहाँ पे भी छोड़ना, और यहाँ पे आप इतना ही छोड़ोगे यहाँ पे इतना सारा ये नहीं चलेगा, दोनों साइड सेम रहना चाहिए। फिर कमर लंबाई देखनी है, कमर लंबाई हमारी कितनी थी 14 इंच थी ना, इसमें कुछ प्लस माइनस करना नहीं है, तो 14 इंच पे सिर्फ मार्किंग कर लेना है, यहाँ पे ऐसे 14 इंच पे मार्किंग कर ली, इधर की साइड पे भी 14 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, ऐसे ये हो गया। फिर यहाँ से ऐसे में कमर लेनी है, तो कमर हमारी थी 26, तो 26 का आधा कर लेना है, 26 का आधा तो 13 आएगा, तो यहाँ पे 13 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, यहाँ पे 13 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, ये मार्किंग करके हो गया। अभी यहाँ से हिप लंबाई, हिप लंबाई हमारी कितनी थी 20 थी, तो 20 इंच पे मार्किंग कर लेनी है ऐसे, वैसे तो हमने कट्स लगा के रखा है पर फिटिंग करते टाइम एक बार और मार्किंग करके चेक कर लेना है, 20 इंच पे मार्किंग कर लेनी है ऐसे। फिर हिप कट कितनी थी हमारी 34, तो उसका भी आधा कर लेना है, 34 का आधा 70 आएगा, तो 70 इंच पे मार्किंग कर लेनी है ऐसे, दोनों साइड पे एक एक इंच ज्यादा रहेगा ना वैसे मार्किंग करनी है, यहाँ पे एक इंच और यहाँ पे, फिर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेना है इधर की साइड से भी और उधर की साइड से भी, देखो ये जोड़ लिया हमने, वैसे ही यहाँ पे भी कर लेना है, यहाँ पे भी। अब क्या करना है, सिलाई कैसे लगानी है, तो सिलाई हमें यहाँ से सिलाई लगानी है ऐसे में, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहाँ तक, इसके नीचे कुछ भी नहीं करना है, अभी इधर की साइड से भी ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक ही सिलाई लगानी है, इसके नीचे भी कुछ नहीं, ये सिलाई लगा लेते हैं पहले, देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई, इधर की साइड भी यहाँ पे सिलाई लगाई, ये सिलाई लगाने के बाद इसको कैसे मोड़ना है, तो इसको ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है, पेपर से फट जाएगा तो आप ध्यान से कर लें, ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है, फिर ये सिलाई लगाई है ना वहां तक का ऐसे फोल्ड कर लेना है, देखो ऐसे ये सिलाई लगा ली हमने यहाँ तक की, तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, देखो इसको ऐसे यहाँ तक फोल्ड कर लिया, सेम वैसे ही इधर की साइड को भी कर लेना है, इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेना है और ऐसे अंदर, फिर सिलाई कैसे लगानी है ना वो मैं समझाती हूँ, देखो इसको भी मैंने उधर की साइड फोल्ड किया, अब इसको सिलाई कैसे करनी है, तो इसको ऐसे रख लेना है, ऐसे रखना है, फिर यहाँ से हमें सिलाई यहाँ से करते जाना है, यहाँ से ऐसे ऐसे में सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे पे, फिर यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे करके यहाँ तक सिलाई लगा ली, फिर इसको ऐसे बॉक्स बना के उधर की साइड पे सिलाई लगा लेनी है, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे में सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की नीचे तक यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक ऐसे। देखो ये आपको समझ आया ना, यहाँ से हमें फोल्ड करते जाना है, फिर यहाँ से सिलाई करते जाना है, यहाँ पे सिलाई करने के बाद इसको ऐसे ऐसे कर लेना है, इधर की साइड की सिलाई लगानी, फिर यहाँ पे आ जाना, फिर इसको यहाँ से ऐसे नीचे नीचे करके सिलाई लगा लेनी है, तो ऐसे हो जाएगा, देखो पीछे से ऐसे हो जाएगा, आगे में ऐसे रहेगा, आगे में ऐसे रहेगा, देखो ऐसे सेम वैसे ही इधर की साइड भी कर लेना, यहाँ पे भी मैंने कर लिया है, अभी इसको नीचे का जो पार्ट रहता है उसको कैसे फोल्ड करना है, तो जैसे ये फोल्ड किया वैसे ही इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है ऐसे, फिर वापस से फोल्ड कर लेना है ऐसे, ये फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, जैसे जहाँ पे मैंने मार्किंग की है ना वहां पे आपको सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पे इधर की साइड उल्टी साइड करना है, ये सब ये रॉन्ग साइड है हमारी,
तो यहाँ पे करना है और इसको इसकी रॉन्ग साइड पीछे की साइड है तो इसको पीछे की साइड से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देना है दो बार फोल्ड करने हैं और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। देखो यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा के हो गया, पीछे की साइड इसको भी सिलाई लगा ले, तो इसको सीधा कर लेना है। पर पेपर है ना तो इसको सीधा मत करना नहीं तो फट जाएगा। ऐसे हमने कट वाली कुर्ती भी सीख ली और प्लेट्स वाली जो कुर्ती रहती है वो भी सीख ली। अभी हम स्लीव्स बनाना सीखेंगे। स्लीव्स को कैसे कट करना है, कैसे मार्किंग करनी है, जो भी सब होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और ये आज मैंने जो भी सिखाया वो आप पेपर पे प्रैक्टिस करते रहना।